इस टोनर को लगाने से आपको कितना भी गंजापन है, आपके हेयर फॉल होने की वजह से गंजापन हो गया है, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इस टोनर को लगाते हैं तो आपके बाल रीग्रो होंगे, साथ ही आपके बाल जड़ से नेचुरल काले होंगे, एक एक बाल आपका काला हो जाएगा। अगर आपके वाइट हेयर हैं, ग्रे हेयर हैं, या फिर आपके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, झड़ने की वजह से आपको गंजापन आ गया है, तो आप इस रेमेडी को लगाना शुरू कर दीजिए। तो इससे ना आपके बाल जड़ से काले होंगे, मजबूत भी होंगे, साथ ही आपके गंजे सिर पर भी बाल उगना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल हेयर टोनर है। आपको बस इसे लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं, जिनके सर गंजा हो गया है, या फिर आपके वाइट हेयर हैं, तो आप इस रेमेडी को लगाइए। तो इस रेमेडी को अगर आप जेंट्स हैं तो आपको कैसे करना है, आप डेली नहाते हो तो आपको इसे डेली अप्लाई करना है, और जो लेडीज हैं वो डेली अपने हेयर वॉश नहीं कर पाती हैं तो वो हफ्ते में 3 दिन ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। तो आपको बनाना कैसे है, तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं पटेटो, जिनको छिलके जो होते हैं आलू के छिलके, उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है, और जो प्याज के छिलके होते हैं उनको भी नहीं फेंकना है। आलू के छिलके जो होते हैं उसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ऑनियन जो होती है उसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बालों को रीग्रो करती है, गंजे सिर पर भी बाल उगा देती है। प्याज और आलू भी आपके गंजे सिर पर नए नए बाल उगाएगा, साथ ही आपके बालों को जड़ से काला करता है। तो आपको एक पैन में पानी लेना है और इन आलू के छिलकों को और प्याज के छिलकों को अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर आपको पैन, जो आपने पैन में पानी लिया है 1 गिलास, उसमें इन छिलकों को ऐड करना है, ठीक है ना। फिर इसमें आपको ऐड करने हैं सूखे 4 आंवले, ठीक है ना। इसमें आपको 4 आंवले ऐड करने हैं। आंवला जो होता है बालों को जड़ से मजबूत करता है, साथ ही आपके बालों को नेचुरल काला करेगा। फिर आपको इसमें ऐड करनी है सीका काई जो होती है बालों को ब्लैक करती है, बालों को जड़ से काला करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। अब क्या करना है, आपको इस पानी को गैस पर बॉईल कर लेना है, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाकर लाती रहती हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो जो पानी है वो काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है, और ये 100% गारंटी है फ्रेंड्स कि आप अगर इसे 1 महीने लगातार यूज करते हैं तो आप अपने बालों में देखोगे कि आपके बाल जड़ से काले होते जा रहे हैं, आपके नए नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपके बाल 4 दिन में या 5 दिन में काले हो जाएंगे, नहीं। अगर आप इसे 1 महीने तक निरंतर यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो रेमेडी होती है डाई की तरह नहीं है कि आपके बालों को सीधे काला कर दिया। आप इसे लगातार यूज करेंगे ना 1 महीने तक, आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके ही बाल हैं। तो अब आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे आपको स्प्रे बोतल में भरना है और इसे आप स्टोर करके भी 7 डेज के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, रात को सो जाना है लगाकर, सुबह अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको डेली रात को लगाना है, सुबह अपने हेयर वॉश कर लेना है, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो अपने बालों को डेली वॉश करते हैं नहाते टाइम, ठीक है। लेडीज़ ही होती हैं जो कि अपने डेली हेयर वॉश नहीं कर पाती हैं, तो लेडीजों को क्या करना है, उनको हफ्ते में 3 दिन लगाना है। इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा काले हो जाएंगे, मजबूत होंगे, साथ ही अगर आपको हेयर फॉल होने की वजह से गंजापन आ गया तो आपके बाल भी रीग्रो होंगे। बहुत ही पावरफुल हेयर टोनर है, हर उम्र का व्यक्ति यूज कर सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपके बालों के लिए बाल जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो आप ना अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या नहीं मिला, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू।